Now coming to question number 9, true or false? The first one is, a mixture of milk and water can be separated by filtration. So, मिल्क और वाटर का मिक्सचर, अगर आप मिल्क में वाटर ऐड कर देते हो तो क्या उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? सो इट इज नॉट पॉसिबल. जब कोई दो लिक्विड आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल. फिल्ट्रेशन से तो हो ही नहीं सकता. सो फॉल्स. नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है? विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से सेपरेट किया जाता है हेवियर और लाइटर कॉम्पोनेंट को. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्ट और शुगर की अगर हम बात करें तो उनमें से कोई भी हेवी या लाइट नहीं होगा, तो विंड की हेल्प से आप इसको अलग नहीं कर सकते. सो अगेन इट विल बी फॉल्स. नेक्स्ट है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्टरेशन. अब शुगर को टी में से सेपरेट करना, जब आप शुगर को टी में अच्छे से मिला दोगे तो वो क्या होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है. तो फिल्टरेशन में तो जो अगर अलग अलग साइजेस की है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, फिल्टर की हेल्प से वो ऊपर रह जाएगा बाकी का नीचे रह जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो वो डिसॉल्व ही हो गया, तो अगेन जैसे ऊपर था यहाँ पे भी वो फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट नहीं हो सकता. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. लास्ट है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डीकेंटेशन. अब ग्रेन और हस्क को सेपरेट तो कर सकते हैं लेकिन डीकेंटेशन के प्रोसेस से नहीं. डीकेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कोई जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सैंड का या मडी वाटर का, तो उसमें क्या था कि सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकती, इसलिए उसको अलग कर सकते हैं हम डीकेंटेशन से. सेम केस में मडी वाटर का भी था. सो देयरफॉर दिस विल बी फॉल्स अगेन. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर. सो लेमनेड इज बेसिकली नींबू पानी जो होता है. सो वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेमन जूस और शुगर ऐड करके वाटर में. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट. अब आपने एक लेमनेड बनाना है एंड आप उसमें आइस भी डालोगे ताकि ठंडा बन सके. सो शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि शुगर डिसॉल्व करने से पहले आप आइस डालोगे या शुगर डिसॉल्व करने के बाद आप उसमें आइस डालोगे. इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर. यहाँ पे अब पूछ रहे किस केस में शुगर ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगी. सो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी जैसे एक पानी नॉर्मल पानी है और उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, अगर पानी रूम टेम्परेचर है नॉर्मल है ठीक है, उसमें आप शुगर ऐड करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा. एंड अगर वही वाटर को आप बॉइल करने के लिए रख दो और उसमें शुगर ऐड करो, जैसे आपने देखा होगा जब हम टी प्रिपेयर करते हैं तो कितनी जल्दी उसमें शुगर डिसॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज पानी का टेम्परेचर गर्म है वो अच्छे से, है ना. सो जितना टेम्परेचर, जितना पानी ठंडा होगा उतना शुगर उसमें कम डिसॉल्व होगा और ज्यादा टाइम लगेगा. सो अगर हम पहले ही आइस ऐड कर देंगे तो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, देयरफॉर उसमें शुगर ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं हो पाएगा. सो पहले हमें शुगर को डिसॉल्व करना पड़ेगा, देन आइस ऐड करनी पड़ेगी. ओके, आई होप समझ में आ गया हो. सो नाउ आई टेल यू कि इसको आप आंसर में फ्रेम करके कैसे लिखोगे. सो लेट्स सी द आंसर. वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर बिकॉज द डिसॉल्विंग पावर ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो हमें कब आइस डालनी पड़ेगी, आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर, क्योंकि जो वाटर की डिसॉल्विंग पावर है वो डिक्रीज हो जाती है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब ठंडा करना पानी को, राइट. सो इफ वी ऐड आइस बिफोर डिसॉल्विंग शुगर लेस अमाउंट ऑफ शुगर विल गेट डिसॉल्व. अगर हम पहले डाल देंगे आइस तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ शुगर विल गेट डिसॉल्व. ओके, सो दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. इसके नोट्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए. ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड विद दी एक्सरसाइजेस. नाउ वी विल बिगिन विद दी नेक्स्ट चैप्टर. बट अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. आई विल सी यू अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.